डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ में पिछले 3 दिनों से सत्ता में बैठी देश विरोधी सरकार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सोमेंदर ढाका का लगातार धरना जारी था। धरने पर बैठे लोगों की आवाज बुलंद करने आज संजय सिंह मेरठ पहुंचे और उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा है और उनकी मांग है कि सरकार धरनारत लोगों की आवाज को सुने। उन्होंने दावा किया है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जीत हासिल की है, वैसे ही गुजरात में भी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। आइए सुनते हैं संजय सिंह ने और क्या कुछ कहा। सोमेन डाका जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि एक मुश्किल अनशन रख के, अपने शरीर को तकलीफ देके पिछले 3 दिनों से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वो अनशन कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार देश में चल रही है जिसने अडानी को दुनिया का 2 नंबरी का अमीर बना दिया। 13 लाख करोड़ रुपए आज अडानी की संपत्ति हो गई। 2014 में 39,000 करोड़ थी, 18 में 57,000 करोड़ थी, 2020 में 2.5 लाख करोड़ थी और आज 13 लाख करोड़ हो गई। तो अडानी को तो मोदी जी ने दुनिया का 2 नंबर का अमीर बना दिया, लेकिन भारत हंगर इंडेक्स में, भुखमरी के सूची में 116 देशों में 101 नंबर पे पहुंच गया। ये हमारा दुर्भाग्य है। इस देश में आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, कैंसर पे, टीवी पे, हार्ट पे, किडनी की दवाओं पे टैक्स बढ़ाया जाता है। डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, गैस का सिलेंडर महंगा हो जाता है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटा के सरकार 22% करती है। 10 लाख करोड़ रुपए का लोन चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया। तो किसान का फसल का दाम देने के लिए पैसा नहीं, नौजवान को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं, माताओं बहनों के लिए महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं, कर्मचारियों की पेंशन के लिए पैसा नहीं, तो पैसा गया कहाँ? मोदी जी के चंद पूंजीपति मित्रों के पास। और इसलिए सोमेंद्र भाई और इनके पूरे साथी, पूरे पश्चिम प्रांत की टीम सरकार से हिसाब मांगने के लिए बैठी, अपने शरीर को कष्ट देके। मैं समझता हूँ इसका जवाब भारत की सरकार को देना होगा। शहीद आजम भगत सिंह के जन्मस्थली से, वहाँ से उनकी मिट्टी लाकर इन्होंने इस मेरठ की धरा पर, इस क्रांतिकारी भूमि पर इस अनशन की शुरुआत की है। मैं सोमेन जी और उनके पूरे साथियों को बधाई देना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जो इनकी आवाज है उसको सुने। छापे पड़ रहे थे और अब उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, क्या कहना है इस पे? देखिए, ऐसा है कि इस देश में नफरत फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो सरकार कर रही है और इसके जो तथ्य और साक्ष्य हैं वो जो जांच एजेंसियां वो सामने रखें। सर, कुछ दिनों से जो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, CBI पर लगातार कार्रवाई कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जो भी जांच पिछले दिनों चली है, मनीष सिसोदिया के यहाँ आपने 14 घंटे छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। 200 ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। कल विजय नायर जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है उनको गिरफ्तार कर लिया, इसके पहले सत्येन जैन को गिरफ्तार करके रखा है। सत्येन जैन को जब कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना हुई तो न्यायालय का जज बदल दिया, कहने लगे नहीं, यहाँ से हम अपना मुकदमा हटा रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है ना, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से, केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से किस कदर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, ये सामने दिख रहा है। मिशन 2024 को लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है
और 2024 में केजरीवाल वर्सेस मोदी का चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब हम लोग जीते हैं, आज बड़ी संभावना बन रही है कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीते। ऋषिकेश में जो समाज पार्टी को लेकर क्या कहेंगे आप, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्ष है, तो समाजवादी पार्टी और बसपा कितने बड़ा चैलेंज रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी बिजली पानी स्कूल अस्पताल की राजनीति करती है। 75 वर्षों के बाद अब भाजपा को होश आ रहा है कि नहीं, हमारे लिए अस्पताल भी ज़रूरी है, स्कूल भी ज़रूरी है। मुझे खुशी हुई कि अब अमित शाह स्कूल देखने जा रहे हैं, इसके पहले ये राजनीति नहीं थी, ये केजरीवाल जी लेके आए, आम आदमी पार्टी लेके आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनता इस बात का फैसला करेगी, अभी गुजरात का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन देश की राजनीति में आपको दिखेगा। क्या विपक्ष एक तरह क्या एक बार क्या विपक्ष एक साथ होगा जो नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में विपक्ष की पार्टियों का अपना जनाधार है जी, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, गोवा में हमारी 2 सीटें आई, गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करने जा रही है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस पे कुछ कहना। गुजरात के अंदर कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, एक तरफ भारत जोड़ो चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ो चल रहा है। तो कांग्रेस छोड़ो अभियान जिस तरह से तेजी से चल रहा है पूरे देश में, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने इसको करने को बस एक ही सिद्धू काफी है, हर साख पे सिद्धू बैठे हैं, अंजाम कांग्रेस क्या होगा ये आप लोग तय कर सकते हैं। जिस पार्टी में G23 बना हो लड़ने के लिए, कभी राजस्थान से खबरें आती हैं, कभी कर्नाटक से आती है, कभी गोवा से आती है, कभी मध्य प्रदेश से आती है, तो उनकी पार्टी तो उनके तो विधायक चौराहे पे खड़े होकर कह रहे हैं दाम लगाओ लेके जाओ, जैसे मजदूर होते हैं चौराहे के, वैसे उनके यहाँ विधायकों की मंडी लगी। ऋषिकेश की घटना पर क्या कहना है आपका? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और अंकिता भंडारी मर्डर केस ये बताता है कि स्वाभिमान के साथ अगर एक बेटी कहीं नौकरी करना चाहती है तो किस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाता है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्पेशल सर्विस देने की बात उस VIP के लिए की गई, वो VIP था कौन, इसका खुलासा कब होगा? कौन था वो VIP जिसको अंकिता भंडारी के को कहा गया कि तुमको स्पेशल सर्विस देना है? BJP का पूर्व मंत्री पुलकित आर्य का बाप विनोद आर्य, वो कह रहा है हमारा बेटा भोला है। तो भाजपा वाले बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं, गुंडे माफियाओं के पक्ष में खड़े होते हैं, कभी उन्नाव कांड होता है, कभी ऋषिकेश का कांड हो रहा है। ये वो पार्टी है जहां 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था कठुआ में, 3 मंत्री तिरंगा लेके BJP के बलात्कारियों के समर्थन में निकले थे। तो मैं समझता हूं कि इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच चला के सुनवाई करके और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी की मांग करते हैं, फांसी की सजा होनी चाहिए जिससे कि दूसरों के लिए नजीर बन सके। PFI पर जो छापेमारी उसको सही मानते हैं? प्रतिबंध लगना चाहिए, दिग्विजय ने कहा है कि PFI पे भी 5 साल का प्रतिबंध लगाए, तो RSS पे भी 5 साल का प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, और देश में किसी भी संस्था को नफरत फैलाने का अधिकार नहीं है, और जो भी साक्ष्य और तथ्य एजेंसियों के पास आए हैं वो उसको सामने करेंगे। नगर निगम चुनाव लड़ेंगे? नगर निगम चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अभी 4 प्रांतों में हम लोगों ने नगरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया है जी, और आज यहाँ मेरठ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक अनशन के कार्यक्रम में भारी संख्या में हमारे साथी जुटे हैं, हम लोग बहुत मजबूती से नगर निकाय का। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FuzzBytes TV। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद।
निकट नानुकी नहर कावड़ मार्ग सरधना मेरठ।